उत्तराखंड की दो बहनें हैं, मंजू गोस्वामी और शरिता कठेत। आप सब लोग उन्हें जानते हो। उनको लेकर कल किसी की लाइव का मुझे क्लिप भेजा गया था, जिसमें उन्हें बहुत कुछ कहा जा रहा था। पहले बात करते हैं मंजू गोस्वामी जी की। उनको लेकर लोग उन्हें पुलिस में अरेस्ट करने की बात कर रहे हैं, उन्हें सजा दिलाने की बात कर रहे हैं, भारत के साथ गद्दारी करने के लिए उनको फांसी हो, उनको जेल में बंद करा जाए, उनको ठूसा जाए, और तमाम तमाम बातें उनके लिए बोली जा रही है। वैसे तो मैं इन विरोधियों को नहीं देखती हूँ ज़्यादा, जो सीमा हैदर का सपोर्ट कर रहे हैं और हमारे भारत की बहनों का विरोध कर रहे हैं, उन्हें नहीं देखती हूँ। लेकिन मुझे जब भेजा जाता है तो मैं वो चीज़ें सामने आ जाती, देखना पड़ता है, और इतना समय नहीं रहता हमारे पास कि फिजूल की इन लोगों की बकवास पर अपना टाइम वेस्ट करें। तो जो चीज़ मैंने देखा मुझे बड़ा ताजुब हुआ, क्योंकि मंजू गोस्वामी जी पाकिस्तान की लाइव में जाती है, मैं भी जाती हूँ, ऐसी बात नहीं है, मैं भी बहुत बार गई हूँ और मैं भी अपनी बात को रखती हूँ। मंजू गोस्वामी जी ने जो बात रखी उसको लेके लोगों ने तरह तरीके के उनको एलिगेशन लगाए हैं कि ये भारत की गद्दार है, ये पाकिस्तान की लाइव में जाती है, अपने देश के खिलाफ बोलती है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से कहती हूँ, जो लोग उनको भारत की गद्दार बताते हो, सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है कि वो भारत की गद्दार है आपकी नज़र में? तो भारत की गद्दार है भाई, जो भारत में जो इनलीगल घुसकर आई है ये औरत, दो टके की सीमा हैदर पाकिस्तान से, ये कौन है भारत की, जिसके लिए आप भारत की बहनों को फांसी की मांग कर रहे हो, उनको जेल में ठूसने की बात कर रहे हो, उनको देश की गद्दारी का आरोप लगा रहे हो, पहली बात। दूसरी बात, क्या मोमिन मलिक जी हैं? मंजू गोस्वामी का नाम भी लिया उन्होंने अपनी लाइव में, क्या उन्होंने कभी कहा कि मंजू गोस्वामी अपने देश के खिलाफ बोलती है, अपने कानून के खिलाफ बोलती है? हाँ जरूर, पाकिस्तान की लाइव में मंजू गोस्वामी जी ने कई बार बोला है कि हमारी भारत सरकार कुछ नहीं कर रही है, बैठी हुई है, हमारा कानून कुछ नहीं कर रहा, कई बार एक सवाल उठा है। तो ये सबसे पहले सोचने की बात है, ये सवाल उठा क्यों, क्यों ये सवाल उठा? कहीं ना कहीं वो हमारे भारत की बहन है, महिला है, और इस केस से 15 महीनों से शुरू से जुड़ी हुई है, और ये तकलीफ बढ़ते बढ़ते इतनी बड़ी हो गई कि आज उन्हें कहना पड़ रहा है कि हमारी भारत सरकार क्या कर रही है, हमारा कानून क्या कर रहा है, क्यों नहीं कुछ कर रहा है? क्यों भाई? क्योंकि आप जैसे चंद गद्दार हो ना, जो सीमा हैदर को सपोर्ट करके बैठे हो, उन्होंने मजबूर कर दिया है, आप जैसे लोगों ने मजबूर कर दिया कि वो कहीं भी जाए अपनी सरकार पर सवाल उठाए, अपने कानून व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए। और बड़े बड़े टीवी एंकरों को आपने देखा होगा, जब भी इंटरव्यू लेते हैं तो सरकारों पे सवाल खड़ा करते हैं, ये हक है हमारा, हम भारतीय हैं, हमारा अधिकार है अपने सरकार से पूछने का। आपकी नज़र में सिर्फ इतना है कि वो पाकिस्तान की लाइव में ये बात कर रही है, केवल पाकिस्तान की लाइव में उनने ये बात रखी है ना, तो इसमें उन्हें फांसी, उन्हें जेल ठूसने की बात, आप ये डिसीजन आप कैसे ले सकते हैं? क्या आप जज हैं? आप हमारी सरकारें हैं? आप प्रधानमंत्री हैं या क्या है आप, जो आप पैनलों पर बैठ कर दो चार लोगों की भीड़ इकट्ठा कर बिना फेस के, आप लोगों के चेहरे भी पता नहीं है, आप किसी का जजमेंट दे देते हो, भी भारत की लेडीज का, कि भाई वो गद्दार है, वो पाकिस्तान के पैनल पे अपनी बात रखते हैं, हमें भी अपने भारत सरकार पर, अपने कानून पर आंख बंद करके भरोसा है। लेकिन जहां लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं, क्यों खड़ा कर रहे हैं, क्यों आप लोगों ने इस औरत को इतना बढ़ावा दिया, सीमा हैदर को, कि इसकी वजह से हमारे देश में खलबली मच गई, हमारी बहन को दूसरे पैनलों पे जाके बात रखनी पड़ी कि हमारा कानून कुछ नहीं कर रहा, तो आप सीधे उनको डायरेक्ट फांसी और उनको जेल जाने की बात करते हो, आप होते कौन हो भाई? और दूसरी बात, मंजू गोस्वामी ने, मैं उनकी बातों से सहमत हूँ, क्योंकि भाई जब हमारे देश के लोग टूट गए, परेशान हो गए, दुखी हो गए, रो भी गए हो कई लाइवों में, क्योंकि हर बार हमारे सनातन को, हमारे हिंदू धर्म को टारगेट करती है, कहीं ना कहीं हमारे देश के हर व्यक्ति पे इस चीज़ का असर पड़ा है। और मंजू गोस्वामी जी बात रखती है तो अपनी सरकारों की रखती ना, पैनल सोशल मीडिया का है भैया, इंटरनेशनल है, किसी भी मुद्दे पे कोई भी किसी पैनल पे जाके बात कर सकता है, तो ये बात कैसे कह सकते हो आप कि वो पाकिस्तान से मिली हुई है, हम भी जाते पाकिस्तान के पैनलों पे, जब बात हम सीमा हैदर की बात कर रहे हैं तो हम किसी भी पैनल पे जाके रख सकते हैं, उसके लिए आपको किसी के पर्सनल चीजों पे इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है मेरी नजर में। रही बात दूसरी, सरिता कठेत जी को लेके बहुत सारी बात आ रही, सरिता कठेत जी को लेके कल ये चीजें बोली जा रही किसी पैनल पे कि सरिता कठेत तो पाकिस्तानियों के उसका शिकार हो गई, सॉरी याद भी नहीं आ रहा, मतलब उनके उनका शिकार हो गई, पाकिस्तान की पैनल पर जाती उनकी बातें सुनती, उनकी बातें करती, पाकिस्तानियों ने उनको अपने कब्जे में ले लिया, उससे सरिता कठेत को छुड़ाना है,
क्यों पाकिस्तानियों के कब्जे में ना जाए, अपनी बातें वहां ना रखे, अपनी बातें ना करे, उस बहन को निकालना, उनके लिए हमदर्दी है कि सर तक ठहर जी को उसमें से पैनल उसे बाहर निकालना है पाकिस्तान के पैनल से। अरे भाई आप होते कौन हो, कितनी आपकी गंदी मानसिकता है, आपकी सोच कितनी घटिया है। सरिता कठैत क्या कोई बच्चा है दूध पीता हुआ कि फंस गया पाकिस्तान की सरहद में जाके उसको आपको निकाल के लाना है, उसके लिए अपने बॉर्डर अपने सीना अपने सेना अपने मोदी जी योगी जी का सहारा लेना है तुम्हें? कोई व्यक्ति आपका फंसा है क्या? ऑन सोशल मीडिया अपनी बातों को रख रही है, अपनी बातों को रखने के लिए हर कोई सक्षम है, हर किसी को अधिकार है वो अपनी बातों को रखे। सरिता कठैत एक सोशल वर्कर है, उत्तराखंड से है, अच्छी तरीके से जानती हूँ उनको, उनकी फीलिंग्स को समझती हूँ, उनकी बातों को समझती हूँ, अपनी बात उनके बातों को रखने का तरीका समझती हूँ। मतलब इन लोगों का ये भी कहना है सरिता कठैत जो दूसरी है वो अपने खिलाफ देश के खिलाफ नहीं जाती है, लेकिन वो इनके मुद्दे में फंस गई, पाकिस्तानियों ने उनको फंसा लिया, उनके चंगुल से बचाना है। अरे सोच पे थू है आप लोगों की, सरिता कठैत कोई बच्ची नहीं है, बहुत समझदार इंटेलिजेंट लेडी है, अपनी बातों को कानूनी मुद्दे के साथ रखती हूँ, ये इंटरनेशनल मुद्दा है, अपनी बातों को उन्होंने रखा बहुत अच्छी तरीके से रखा है, वो जानती है कहाँ पे कैसी बात करनी है, उसके लिए आप उन्हें रोकने वाले कौन होते हो भाई? आप होते कौन हो? आपने हमारे सरकारों से परमिशन लिया है क्या? आईएसआई के आप ही हो एजेंट कि भैया एटीएस के आप ही हो एजेंट, आप ही हो थाने के अध्यक्ष या जज आप हो जो आप ऑर्डर लेके आयो कि सरिता कठैत वहां फंस गई है उसको वहां से निकालना है? क्यों कितनी गंदी आप लोगों की मानसिकता है? क्या कभी आपने ये अपनी गवर्नमेंट से अपने सोशल मीडिया पे ये बात रखी कि सीमा अगर आई तो आए कैसे, हमारे देश में घुसने की इसकी हिम्मत कैसे हुई, चार बच्चों को बॉर्डर क्रॉस कराने की इसकी हिम्मत कैसे हुई, इस बात पे कभी विचार किया है आपने? किया है कभी कि एक औरत चार बच्चों को लेके 5 पासपोर्ट लेके आ जाती है, 1 पासपोर्ट फालतू और लेके आ जाती है? क्यों कैसे कब कैसे एंट्री किया इसने भारत के अंदर? आपकी इतनी औकात हुई कि उससे सवाल पूछ सको, या अपने भाई एपी सिंह से पूछने की हिम्मत हुई कि भैया इतने महीने छुप कर बैठी, आप एक सुप्रीम कोर्ट के लॉयर थे, आपने इस बात को रखा क्यों नहीं कि ये गलत है? शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म। मतलब इतनी सारी बातें हो रही थी, ज्यादा तो मैं नहीं देख पाई, मैं इतना ही देखा। तो मैं कह दूं हमारे देश की महिलाएं सक्षम है अपनी बातों को रखने के लिए, जो फील्ड में जाके लोगों के मुद्दों को सॉल्व करती है, मैं भी करती हूँ, उनका मेरा काम सेम है, तो हमारी चीजों में इंटरफियर करने वाले आप कौन होते भाई? क्या किसी पैनल पे जाने से पहले आप जैसे गद्दारों की परमिशन लेंगे हमारे भारत की बहने? सरिता कठैत को जरूरत नहीं है। मतलब मुझे बड़ा ताजुब है, बंदा कोई था, मैं सकल तो ये लोग सकल से आते नहीं, तो बंदा बोल रहा है कि उसको निकालना है चंगुल से, वो फंस चुकी है पाकिस्तानी के चंगुल पे। हद है आप लोगों की हद। इसका मतलब तो मोबिन मलिक सर भी शाहिद हुसैन की लाइव में जाते हैं, मैं भी जाती हूँ, आस्था माँ भी जाती है, अमिता मलिक है वो भी जाती है, तमाम हमारे देश के भाई बहन जाते हैं डिस्कशन करने के लिए, ताकि जो केस बिगाड़ रहे हो ना आप लोग, जो पाकिस्तान हिंदुस्तान के बीच जो लड़ाई झगड़े करा रहे हो, उस लड़ाई झगड़े पे अपनी बात रख के उस मामले को सुलझाए, शांति व्यवस्था बनाए रखे, इसलिए पाकिस्तान की लाइव में जाते हैं। पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है, सब जानते हैं भाई दुश्मन देश है, क्या वहाँ गोलियां चलवा दें अगर दुश्मन देश है? वहाँ की एक महिला है इलीगल घुस कर आई है, और आपसी संबंध सबके अच्छे बने, कोई आपस में बैर भाव ना हो, इसलिए जाते हैं लोग। उनको आप कहते हो पाकिस्तानियों के चुंगुल पे फंस गई है, बड़े बेशरम टाइप के लोग हो, आपके घरों में यही संस्कार दिए जाते हैं क्या? दूसरों के औरतों को रोकने जाओ, आप पैनलों में बैठी, आप खुद का पैनल बना के रात भर गंदगी करो, पूरी पूरी रात आप दूसरों के मुद्दे लेके बैठ जाओ, शर्म आनी चाहिए। इतने लोगों पे FIR होने के बाद ये बेशर्मी की दुकान खोल के बैठे, मुझे कितनी गाली दो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे कितना ही कह दो कि चंगुल में फंस गई है, गालियां देती है, लड़ाई झगड़े करती है, देश के खिलाफ बोलती है, तो मुझे सब बर्दाश्त है, क्योंकि मैं देखती नहीं भैया आप कौन हो क्या हो। तो मैं यही कहती हूँ लोगों से कि भैया मुझे मत भेजा करो क्लिप, फिर भी लोग भेज देते हैं तो व्हाट्सएप पे भेजते हैं तो क्लिक करना पड़ता है ना, तो आपकी गंदगी वहां दिख भी जाती है हमें। शर्म आनी चाहिए, डूब मरना चाहिए आप जैसे लोगों को हमारे देश में। जब तक आप जैसे गद्दार हो ना, तो ये देश का विकास बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप जैसे लोग ही हो जो हमारे देश में खतरे पैदा करते हो, आप जैसे लोगों की वजह से हमारा देश असुरक्षित है।
आप लोगों का और काम नहीं होता, दो चार औरतों को इकट्ठा करते, दो चार आदमी बैठ जाते हो बिना फेस के कैमरे में बैठ जाते हो, वहां पे तमाम दुनिया भर की गंदगी लेके बैठ जाते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें कि वो पाकिस्तान की लाइफ में गई, उसने हिंदुस्तान के खिलाफ बोला? वहां कोर्ट में जाके साबित कर दो ना कि उसने हिंदुस्तान के खिलाफ करा। हम है साथ, हम सरिता कठैत के साथ भी है, मंजू गोस्वामी के साथ भी खड़े है। दिला दो सजा, है तुम्हारी औकात, दिला दो सजा, चलो हम है खड़े, हमारा पूरा भारत खड़ा है। मंजू गोस्वामी जो बात रखती है उनकी बात बिल्कुल सही है, मैं असहमत नहीं हूं, मैं सहमत हूं उनकी बातों से, लेकिन मजबूर किसने किया? सीमा हैदर और तुम जैसे चाटुकारों ने, कि वो पाकिस्तान की लाइफ में कहीं भी जाके अपनी बातों को रखें, अपनी सरकार से मांग रख रही है, तो वो गद्दार हो गई। तो तुम क्या हो भाई, तुम भेड़िए हो, भेड़िए, वो खुखार भेड़िए जो सकल से भी खुखार हो, लेकिन बुद्धि भी आपकी भेड़ियों से खतरनाक है। अपनी मानसिकता को सुधार लो। जो अपने घर में जिनकी औरतों पे बस नहीं चलता ना, वो अपनी खुन्नक निकालने सोशल मीडिया पे आ जाता है। ऐसी हरकतें ना करो, क्योंकि हमारे देश की बहन बेटी बहुत सक्षम है और बहुत पढ़ी लिखी है, अपने खुद के डिसीजन लेना जानती है। आप जैसे लोगों की जरूरत नहीं है उन्हें। अपनी जो दादागिरी है ना, अपने घर में चलाओ, अपनी बीवियों पे, अपनी माओं पे, अपने बहनों पे चलाओ, क्योंकि भारत की हर बेटी सक्षम है अपनी बात रखने के लिए। और अगर तुम्हें कानून नहीं पता है, तो अभिव्यक्ति की आजादी हर किसी को है। सोशल मीडिया पे क्या वो वहां कैद हो गई सरिता कठैत, उन्हें अरेस्ट कर लिया क्या पाकिस्तान में? जो उनको चुंगुल से निकालना, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, ऐसे ऐसे लोगों पे सवाल खड़ा कर देते हो इस 2% की इनलीगल औरत के लिए, जिसकी कभी औकात नहीं हुई कि तुम इससे दो शब्द पूछ सको कि भाई भारत में आई तो आई किस मकसद से, आज तक नहीं उगलवा पाए इससे। ये इतनी सातिक दिमाग औरत है, ये अपने दिमाग से तुम्हें पलट देती, लेकिन भारत का बच्चा बच्चा जान चुका है ये इतनी गंदी और इतनी शातिर औरत है। इसका अब यहाँ कुछ चलने वाला नहीं है, इसका पत्ता साफ हो चुका है, इसका भंडा फूट चुका है। कोशिश कर रही है ना अभी भी गुलाम हैदर को भड़काने की, कोशिश कर ले बेटा, फैसले तो कोर्ट से होने वाले हो, आएंगे ही जरूर। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से, छोटी सी समाज सेविका, अपने वीडियो के माध्यम से हमेशा सच रखने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा, अगर आया तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते तो चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, सभी व्यूअर्स का दिल से धन्यवाद। सॉरी, नमस्कार करना तो भूल गई एंड में। ओके, थैंक यू सो मच।